जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू और बैंगन की फुटकरी सब्जी, जिसके लिए मैंने ये हाफ के जी बैंगन लिए हैं और दो बड़े साइज़ के आलू लिए हैं और एक छोटा आलू लिया है। अब इसको हम काट लेते हैं। हमें बैंगन को लंबा लंबा काटना है, इसका जो ये होता है ये उतारना नहीं है हमें, इसके साथ ही काटना है। ये देखिए ऐसे इसके 3 पीस कर लेने हैं हमें, ऐसे नाकू इसका काटना नहीं है, नाकू के साथ ही हम इसके पीसेस करने हैं। ऐसे ही मैंने आलू का छिलका उतार लिया है, आलू को भी हमें बैंगन की तरह ही लंबे लंबे स्लाइस में काटना है। इससे क्या होता है, दोनों की सेम साइज़ हो जाएगी, सब्जी भी अच्छी बनती है और देखने में बहुत अच्छी लगती है। ये देखिए मैंने बैंगन और आलू दोनों को काट लिया। बैंगन को हमेशा पानी में ही काटना, पानी में नमक डाल के, नहीं तो बैंगन क्या होते काले पड़ जाते हैं, उनमें कड़वापन आ जाता है। अगर हम पानी में काटेंगे नमक डालकर तो उनमें कड़वापन नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने आलू में भी पानी डाल रखा है, देखो आलू को भी पानी में ही काटा है। चलो अब हम सब्जी बनाने की तैयारी करते हैं। अब मैंने कढ़ाई को गैस पे रख दिया है और मीडियम फ्लेम कर दिया है। और अब इसमें मैंने ली है 1.5 चम्मच जीरा, 1 चम्मच सौंफ और 10 ये काली मिर्च, और इनको हमें कढ़ाई में डाल के भूनना है। ये देखिए अब ये देखिए हमारा ये मसाला भुन चुका है, जीरा काला हो गया है, सौंफ और काली मिर्च भी। अब इसको हमें गैस को बंद कर देना है और इसको ठंडा करके ना हमें इसका पाउडर बनाना है। इधर मैंने लिया है एक पैन में 2 बड़े चम्मच मस्टर्ड ऑयल, और इसमें मैंने अब डाला है लहसुन, 7 से 8 कलियाँ लहसुन को छील के मैंने काट लिया था, और इसमें अब लहसुन डाल देना है। ये देखिए हमारा लहसुन भुन गया है, इसमें अब हम डालते हैं मिक्स कर देना। पहले हमें आलू फ्राई करने हैं, कुरकुरे आलू। और जब तक हमारे आलू फ्राई होते हैं हमें मसाले को पीस लेना है। इस मसाले को हमें मिक्सी जार में या कुंडी सोटे में पीस लेना है, ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं करना है, रखना थोड़ा दरदरा सा पाउडर है। ये देखिए हमारे आलू पीस पीसे हो गए, ये अब हमारे जो आलू हैं एकदम मतलब आधे पक चुके हैं। ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं। ये देखिए अब इसमें हम डाल देते हैं बैंगन, इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। हमें गैस की फ्लेम मीडियम रखनी है। ये देखिए अब इसमें मैं ऐड करती हूँ हल्दी, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मैंने और डाली है, और 1.5 चम्मच नमक, और इसको भी हमें अच्छे से मिक्स कर देना है। और इसे 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही खुला पकाना है, हमें ढकना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि हमें कुरकुरी सब्ज़ी बना रही है, ढकने से क्या होता है भाप बन जाती है तो ये कुरकुरी नहीं बन पाती है। ये देखिए इसको हमें हिलाते रहना है ऐसे। मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए इसको ऐसे हमें पकाना है। बीच बीच में हमें सब्ज़ी को चलाते रहना है। ये देखिए हमारी बैंगन भी अब थोड़ी थोड़ी सॉफ्ट होने लग गए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली फ्लेक्स। अगर आपके पास साबुत लाल मिर्च हो तो जो मसाला हमने भुनना था उसमें ही वो मिर्च भून के ना और उनके साथ ही पीस लेना। मेरे पास ये पीसी हुई रेड फ्लेक्स थे तो मैंने ये डाल दिए इसमें। ये देखिए और अब मैंने डाल दिया है जो मसाला हमने भून के रखा था उसको, देखिए दरदरा पीस लिया है और अब इस सब्ज़ी में डाल दिया है, और इसको अब हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है मसाले के साथ। और मसाले हम नहीं डालेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही मसाले भून के ना पीस लिए थे। ये देखिए कितनी अच्छी सब्ज़ी बनी है, हमारे आलू है हर अच्छे से क्रिस्पी हो गए हैं, और हमारे जो बैंगन है वो भी लगभग पक ही चुके हैं। इसको भी मसाले के साथ 2 मिनट तक हमें पकाना है। और
अब इसमें डालना है हमें धनिया पाउडर। ये देखिए मैंने इसमें धनिया डाल दिया और बिल्कुल ही लो फ्लेम करके हमें धीरे धीरे इनको क्रिस्पी बनाना है। तो इनको चलाते रहना है और गैस की फ्लेम हमें लो रखनी है, तभी ये क्रिस्पी बनेंगे। वैसे हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है, लेकिन थोड़ा सा इनको हमें क्रिस्पी बनाना है, तो इसलिए हमें इनको थोड़ी सी देर और रखना है गैस पे और इनको चलाते रहना है, मसाले के साथ इनको भूनना, ताकि मसाला इनमें अच्छे से लग जाए। और लास्ट में इसमें डालना है हमें आमचूर पाउडर, 1 से 1.5 चम्मच के करीब आमचूर पाउडर डालना है और इसको भी अच्छे से हमें मिक्स कर देना है। ये देखिए अब हमारी सब्ज़ी बनके बिल्कुल तैयार है और इसको अब हमें एक बाउल में निकाल लेना है। हमारी सब्ज़ी बिल्कुल तैयार हो गई। आप इसे पराठे के साथ, पूरी के साथ, चावल के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं और बहुत ही टेस्टी और कुरकुरी सब्ज़ी बनी है। प्लीज़ अगर मेरी सब्ज़ी पसंद आई हो तो एक बार इसको बनाइए और खा के देखिए। मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय।